जयपुर से अगली खबर है, रणथंभौर मंदिर मार्ग पर चट्टानी पत्थरों की बरसात देखने को मिल रही है। भारी बारिश से देर रात भी कई जगह पर चट्टान टूटकर नीचे गिरे हैं। प्रवेश द्वार से आगे मिश्र दर्रे और गोमुखी के पास चट्टानी पत्थरों का ढेर लगा हुआ है। बरसाती भारी बरसात से पूरे मंदिर मार्ग पर पानी की भी जोरदार आवक हो रही है। मंदिर मार्ग अवरुद्ध, वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। एफडी अनूप केआर और डीसीएफ डॉक्टर रामानंद भाकर ने संभाल रखा है मोर्चा। नियमित मॉनिटरिंग और बाढ़ से उपजे हालातों में एहतियात बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। टाइगर पार्क में सभी तालाब और नाले चल रहे हैं उफान पर और यहाँ पर चट्टानों की बरसात इसे कहा जा सकता है जो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। प्रवेश द्वार से आगे मिश्र दर्रे और गौमुखी के आसपास चट्टानी पत्थरों का ढेर किस तरीके से लगा हुआ है वो आप देखिए। भारी बरसात से पूरे मंदिर मार्ग पर पानी की भी जोरदार आवक हुई है। मंदिर मार्ग अवरुद्ध हो गया है। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। एफडी अनूप केआर और डीसीएफ डॉक्टर रामानंद भाकर ने मोर्चा संभाला हुआ है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है और साथ ही साथ बाढ़ से उपजे हालातों में एहतियात बरतने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। आपको ये भी बताएं कि टाइगर पार्क में सभी तालाब और नाले दरअसल उफान पर चल रहे हैं। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ फोनलाइन पर है। निर्मल जी, यहाँ पर जिस तरीके से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, वाकई में ये साफ नजर आ रहा है कि चट्टानों की सी बरसात है, पानी अलग बरस रहा है, तो बारिश की वजह से इस तरीके से चट्टाने भी दरक रही हैं। देखिए दीपिका सुप्रभात, और बहुत जबरदस्त तरीके से जो बरसात हुई है सवाई माधोपुर पूरे क्षेत्र के अंदर, उसका असर यह है कि जो चट्टाने थी वो दरकने लगी हैं। कल भी देखा यह गया था कि जब मंदिर मार्ग के ऊपर गौमुखी के पास जो मिश्र दर्रा गेट है वहां पर चट्टान भरभराकर गिरी थी, लेकिन रात को फिर बरसात हुई तो उसका नतीजा ये निकला कि चट्टानों की मानो बारिश होगी। वो लगातार चट्टानों के जो टुकड़े हैं पूरे, अगर प्रवेश द्वार में जब रणथंभौर का जो प्रवेश द्वार है उससे थोड़ा सा आगे चलने के बाद जो बैरियर आता है, बैरियर से लेकर के मिश्र दर्रा गेट तक और उसके आगे जोगी महल तक, जो भी पूरा ये मंदिर मार्ग कहलाता है क्योंकि श्रद्धालु जो त्रिनेत्र भगवान श्री त्रिनेत्र के गणेश के दर्शन करने यहीं से जाते हैं, और जो रणथंभौर में भी जो जोन एक से लेकर पांच तक जो प्रवेश करते हैं जो व्हीकल्स, उनका भी यहीं से आना जाना होता है। लेकिन गनीमत की बात यह है कि अभी तो चूंकि बंद कर रखी है, यहाँ पर सफारी बंद है, एहतियात के तौर पर जोन 6 से 10 में भी बंद कर दी गई थी और 1 से 5 तक तो लगातार 3 महीने के लिए बंद रहती है 30 सितंबर तक। तो फायदा यह हुआ कि दूरदर्शिता दिखाई जो वन विभाग के जो अधिकारी थे, खासकर अनूप केआर जो वहां के जो फील्ड डायरेक्टर और रामानंद भाकर डीसीएफ, दोनों ने और पहले से ही 3-4 दिन पहले ही उन्होंने जोन 6 से लेकर 10 तक तो सफारी बंद कर ही दी थी, लेकिन जब बरसात तेज हुई तो उन्होंने मंदिर मार्ग में भी जो श्रद्धालु जो मंदिर की तरफ जाते थे उनको भी बंद कर दिया था और जो कुछ श्रद्धालु अंदर रह गए थे उनको बाहर निकाल दिया गया था। इस पूरे क्षेत्र में चट्टानों की ऐसी बरसात हुई है कि जगह जगह आप देख सकते हैं, हम वीडियो के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पानी का बहाव तो तेज है ही, साथ ही साथ चट्टान के बड़े बड़े जो टुकड़े हैं वो जमीन पर आकर गिर गए हैं। तो अभी तो हालात बिल्कुल सामान्य नहीं है। खुद अनूप केआर और रामानंद भाकर पूरी टीम के साथ मौके पर मौजूद है। चारों तरफ जो बैरियर लगा दिए गए थे, प्रवेश रोक दिया गया है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर की तरफ जो भी श्रद्धालु जाते थे उनका प्रवेश रोक दिया गया है। किसी भी तरह की कोई गतिविधि वहां पर नहीं हो रही है। अच्छी बात यह है कि लगातार जो मॉनिटरिंग टीम है वो इस बात की भी कोशिश करी है कि जो वन्य जीव है कम से कम उनको भी कोई नुकसान ना हुआ हो, क्योंकि ऐसे में क्या होता है जब पानी बहुत ज्यादा भर जाता है पूरे नाल घाटी क्षेत्र की बात करें या पूरा जोगी महल के आसपास का, तो ऐसा इस बात की भी आशंका रह जाती है कहीं बाघ या दूसरे वन्य जीव बाहर की तरफ ना आ जाए पानी से विचलित होकर। तो कोशिश ये की जा रही है कि वहां एक टीम को तैनात कर दिया गया कि ऐसी कोई भी स्थिति हो तो उसको तुरंत उससे निपटा जा सके, उसकी सूचना आगे तक पहुंचाई जा सके। लेकिन जिस तरह से तबाही का मंजर जो देखने को मिल रहा है पूरे रणथंभौर के अंदर, तो ऐसा लगता है कि इस तरह की बरसात तो पिछले काफी बरसों से वहां पर नहीं हुई है। 1.5-2 दशक में ऐसी कोई बरसात देखने को नहीं मिली थी, लेकिन लगातार पानी का बहाव, खासकर देखिए आप अगर पूरे राजबाग तालाब की बात करें, पदम तालाब की बात करें, मलिक तालाब की बात करें, पूरे लबालब चल रहे हैं, जितने भी नाले हैं वो उफन करके आ रहे हैं, एनी कट टूट गए हैं, सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। तो ऐसा लगता है कि अगर बरसात रुक भी गई, हालात सामान्य होने में 10 से 15 दिन का समय लगेगा, तो फिलहाल एहतियात के तौर पर सफारी भी बंद है, एहतियात के तौर पर मंदिर मार्ग को भी बंद कर दिया गया है और रेस्क्यू जो टीम है वो पत्थर हटाने के, जो लकड़ी पेड़ गिरे उनको हटाने के प्रयास कर रही है, लेकिन फिलहाल तो हालात बिल्कुल और किसी भी हादसे से बचे रहने के लिए एहतियातन बहुत जरूरी है कि कुछ फैसले लिए जाए। और वहां पर जिस तरीके से वन विभाग की टीम अलर्ट और मॉनिटरिंग करती हुई